हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशनी की रेस्टोरियन ब्लॉग्स। आज हम बनाने वाले हैं ऐसे ही फूले फूले भटूरे जो सबको बहुत पसंद हो, बच्चे हो या बड़े, सभी के मुंह में पानी आ जाता है इसे देखकर। आपके भी आया क्या? तो चलिए इसे बना लेते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है। इसे बनाने के लिए हमने ले लिया है एक कटोरी मैदा और 4 चम्मच मैंने दही डाला है, और मैं डाल रही हूँ इसमें आधा पैकेट इनो। अगर आप ज़्यादा मैदा लें तो आप पूरा 1 पैकेट यूज करें। और हम इनो इसलिए डाल रहे हैं, इससे ना भटूरे बिल्कुल भी नुकसान नहीं करते हैं और बहुत ही अच्छे फूल करके तैयार होते हैं। इससे बहुत ही टेस्टी बनते हैं और ज़्यादा ऑयल भी नहीं पीते हैं, ऑयली बिल्कुल भी नहीं लगते हैं फ्रेंड्स। तो हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है मैदे में, और हमें थोड़ा सा गुनगुना पानी मैंने लिया है इसमें, नॉर्मल से थोड़ा सा ही गर्म लिया है बस। और हमें उससे मैदा लगा लेनी है फ्रेंड्स। हमें डो बिल्कुल सॉफ्ट लगा के तैयार करना है, जैसे हम रोटी का लगाते हैं, ना ही टाइट और ना ही बहुत ज़्यादा गीला डो लगाना है। बस हमें याद रखना है फ्रेंड्स, हमें डो को इतना ज़्यादा मसलना है, बहुत अच्छे से हमें इसे मसल कर अपनी फिंगर की हेल्प से थोड़ा थोड़ा पानी लगा करके बहुत देर तक मसल के इसको कम से कम 10 से 15 मिनट हमें अच्छे से मसलना है इसको, ताकि हमारी मैदा बहुत अच्छे से तैयार हो जाए भटूरे बनने के लिए। और बस हमें इसका एक सॉफ्ट डो लगा करके तैयार करके रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए। ये देखिए, हमारे काफ़ी देर तक हमें इसे मसलते हो गया, कितनी सॉफ्ट हो गई है ना फ्रेंड्स, देखिए। और बस अब हम इसमें लगा लेंगे 1 चम्मच ऑयल। ऊपर से हमने पहले बिल्कुल भी ऑयल नहीं डाला है फ्रेंड्स, ऐसे ही हमने डो लगा कर तैयार किया है। और ये इनो डालने से बहुत सॉफ्ट बनते हैं और एक भी ज़्यादा ऑयल नहीं पीते हैं। और इसे हमने 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया है फ्रेंड्स। और देखिए, हमारी मैदा रेडी हो चुकी है बनने के लिए। आधे घंटे 1 घंटे रख देंगे आप तो और भी अच्छा रहेगा। अगर आपके पास टाइम, मिनिमम आपको 15 मिनट रखना है अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। और हमारा डो तैयार हो चुका है, आधा घंटे हो चुका है कम्प्लीट। अब मैं आपको एक बेल करके दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। बस हमने छोटा सा उसका पेड़ा ले लिया है, एक छोटी सी लोई बना लिया है उसको गोल गोल करके, और उसमें थोड़ा सा लगा लिया है मैदा, और मैं उसे आपको बेल करके दिखाऊंगी फ्रेंड्स। देखिए कितनी आसानी से बेल रहा है, बहुत ही सॉफ्ट डो है। बस ऐसे ही जैसा भी आप शेप चाहें, चाहे आप ओवल शेप बनाएं या राउंड शेप, जो भी आपको पसंद हो आप अपने अनुसार शेप दे सकते हैं। और मैंने इसे देखिए बिल्कुल अच्छे से पतला बेल लिया है, और तब तक हमारा कढ़ाई में तेल भी गर्म हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा डाल के देखा है, अगर ये ऊपर आ गया तो समझ लीजिए आपकी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। और एक पैन में अच्छे से ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें भटूरा भी डाल रही हूँ, देखिए कैसे फूलेगा आप देखिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे भटूरे बन करके तैयार होते हैं, सबको बहुत पसंद आते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो एक लाइक करिएगा फ्रेंड्स। ये देखिए कितना अच्छा भटूरा फूल करके तैयार हुआ है, देखा ना आपने फ्रेंड्स, ऐसे ही सारे भटूरे फूल करके तैयार होते हैं। बस इसमें थोड़ा सा निकालने में प्रॉब्लम हो रही थी फ्रेंड्स, तो आप कढ़ाई में बनाएं। मैंने पैन में बनाया था ना तो पलटते नहीं बन रहा था, तो आप एक बार कढ़ाई में बनाइएगा इसे फ्रेंड्स, और इस तरीके से बनाइएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड्स। मैंने ऐसे और भी भटूरे तैयार किए थे फ्रेंड्स, और सारे भटूरे फूल करके तैयार हुए थे, आप भी एक बार ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। बाय बाय।